दिवाली आने में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और शेयर बाजार में इसकी तैयारियां चल रही हैं। कई ऐसे शेयर्स हैं जो दिवाली 2023 से दिवाली 2024 के दौरान पूरे एक साल में अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिला चुके हैं। अब निवेशक उन शेयर्स की खोज में हैं जो अगली दिवाली तक उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न को शानदार तरीके से सजा सके और उनकी जेब और स्टॉक मार्केट रिटर्न दोनों को बढ़ा सके। स्टॉक मार्केट की दिग्गज रिसर्च फर्म केडीआई एडवाइजरी ने अपने एक एडवाइजरी नोट में ऐसे शेयर्स की पहचान की है जो आपको अगली दिवाली तक शानदार रिटर्न दिला सकते हैं। तो कौन कौन से वो शेयर्स हैं जो आपको अगली दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो को चमका देंगे, चलिए वीडियो में जानेंगे। सो केडीआई एडवाइजरी की एडवाइजरी नोट के मुताबिक सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI, जिसके शेयर्स में बीते एक साल में काफी तेजी हासिल हो चुकी है, उनमें अब भी मौका है। अगर आप इसमें 795 रुपए यानी कि मौजूदा भाव पर एंट्री लेंगे तो इसके 1240 रुपए तक जाने का अनुमान है और इस तरह इसमें 55.97% का रिटर्न आपको एक साल के अंदर मिल सकता है। अगला है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इसमें 1660 रुपए पर एंट्री लेने के बाद आप इंतजार करें और ये शेयर अगली दिवाली तक 2500 रुपए तक जा सकता है। इस तरह इसमें देखें तो इसमें 50.60% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये कंपनी पोर्ट शिप की मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है। अगला है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड में 850 रुपए पर एंट्री लेकर आप 1250 रुपए तक का प्राइस अगली दिवाली तक पा सकते हैं। इसमें 47.93% रिटर्न का अनुमान है। अगला है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 750 रुपए पर एंट्री लें और इसके 1100 रुपए तक का जाने का अनुमान है। अगर परसेंटेज के तौर पर देखा जाए तो इसमें 46.67% पर शेयर का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगला है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट में 4480 रुपए प्रति शेयर के रेट पर एंट्री लें और इसके 6500 रुपए प्रति शेयर पर जाने का अनुमान है। इस तरीके से इसमें आपको 45.09% पर शेयर का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगला है मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इसके शेयर्स में आगे तेजी आने की काफी उम्मीद है। ये शेयर ज्यादा महंगा भी नहीं है और इसमें 132.50 रुपए पर शेयर पर आप एंट्री ले सकते हैं और इसके 190 रुपए पर शेयर के भाव में जाने की उम्मीद है, यानी कि इसमें आपको 43.50 रुपए पर शेयर जाने का गेन हो सकता है। अगला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नैल्को, मेटल सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के शेयर 225 रुपए पर शेयर पर लिए जा सकते हैं और इसमें 320 रुपए तक का भाव मिल सकता है, यानी कि आपको 42% के अराउंड पर शेयर का आप रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अगला है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड, इसमें आप 4100 रुपए पर शेयर पर एंट्री लें और इसके 5700 रुपए तक जाने की उम्मीद है, यानी कि इस बेसिस पर आपको 39% तक का रिटर्न मिल सकता है। करीब 40% का रिटर्न किसी भी शेयर के लिए अच्छा माना जाता है। अगला है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड 167 रुपए पर शेयर पर आप ले सकते हैं और इसके 225 रुपए पर शेयर तक जाने की उम्मीद है, यानी कि यहां आपको 34.33% का रिटर्न मिल सकता है। अगला है डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड जिसे डिवीज लैब्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अच्छे शेयर्स की कैटेगरी में आता है। ये शेयर आप 5850 रुपए पर शेयर पर ले सकते हैं और ये एंट्री के लिए एक अच्छा लेवल है और इसमें 7600 रुपए पर शेयर तक का भाव देखा जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये शेयर एक साल के लक्ष्य के साथ आप ले सकते हैं, इसके जरिए आपको अच्छा रिटर्न और पोर्टफोलियो की ग्रोथ दोनों का सपोर्ट मिलता है। पिछली बार जिन शेयर्स में केडीआई एडवाइजरी ने निवेश का टारगेट दिया था उन शेयर्स में 24.81% का रिटर्न हो चुका है। इस तरह देखा जाए तो अगर आपने लास्ट दिवाली पर 1,00,000 रुपए लगाए होते तो वो इस वक्त 1,24,810 रुपए तक हो गए होंगे। वेल, आपको ये भी बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले आप हमेशा एक्सपर्ट से सलाह ले लें। गुड रिटर्न्स की तरफ से आपको किसी भी शेयर में पैसा लगाने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।